श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र बना। वराना वाली माता का मंदिर जहां पर आने वाले भक्तों की होती है मनोकामनाएं पूर्ण। विकासखंड परवाड़ी में 15 किलोमीटर की दूरी पर नगारा घाट वराना के बीहर जंगल में प्राचीन बड़ी माता वराना वाली का मंदिर श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र बना हुआ है, जहां पर दूर दराज से भक्तों का प्रतिदिन तांता लगा रहता है। आपको बता दें कि पूर्व में 40 वर्ष पहले वराना वाली माता ने बाबा सुदामा नंद जी महाराज को स्वयंपन में बाबा सुदामा नंद जी महाराज को मंदिर के बारे में जानकारी दी, जिसमें बाबा वराना के मंदिर पहुंचे वहीं बीहर जंगलों में धसान नदी के किनारे कई सालों वर्ष पुराने पेड़ के नीचे छोटी सी मंडिया में मंदिर स्थापित था। वहीं बीहर जंगलों में ना कहीं रास्ता ना कहीं पानी की सुविधा थी। वहीं सुदामा जी महाराज के द्वारा अधिक परीक्षा एवं मेहनत के द्वारा बीहर जंगल को काटकर मंदिर तक ले जाने के लिए रास्ता बनाया। बाबा सोना सुदामा नंद महाराज ने ना कभी खाने की चिंता की और ना कभी पीने की। तभी माता रानी ने आकर मंदिर के समीप कुआ होने की जानकारी दी। वहीं बाबा ने जिस स्थान पर माता रानी ने कुआ बताया, वह स्थान पर जाकर मिट्टी एवं पेड़ काट आकर कई वर्ष पुराना कुआं पाया, जिसमें आज श्रद्धालुओं को उसी कुएं में पीने का पानी मिलता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों एवं समाज सेवियों ने प्रशासन एवं पुरातत्व विभाग में इस स्थल को पर्यटक स्थल बनाने की मांग की। वहीं राज्य सरकार का आय का एक स्रोत भी बन सकता है। वहीं दसान नदी के किनारे आसपास कई ऐसे पर्यटक स्थल है जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बने हुए हैं, जिसमें दूर दराज से आने वाले भक्तों को सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बाबा जी, आप यहाँ कब से जुड़े हुए हैं और ये माता रानी के असीम अनुकंपा के बारे में आप हमको यहाँ बताएं कि यहाँ इतना विकास कैसे और कब से हुआ है? हमको यहाँ क्योंकि महाराज जी आ गए थे यहाँ 30-40 साल पहले और हमको 30 साल हो गए यहाँ, और यहाँ कुछ नहीं था। और जब श्री सुदामानंद जी महाराज आए तब इन्होंने यहाँ बीहा था, खंडर था, चारों तरफ जंगली जंगल था घोर। फिर महाराज जी के आने पर माता जी की ऐसी असीम कृपा को उन्होंने स्वयं संत को बुलवाया। उन्होंने ही भूखे प्यासे ना कुछ भोजन करते थे, मिट्टी खाते थे, रात पीते थे। फिर उन्होंने ही यहाँ का विकास करवाया, अपने हाथों से सब पूरा विकास किया, मेहनत की। और उन्होंने ही आटा क्या मिट्टी और रात घोर घर पर की, और यहाँ का क्षेत्रफल महाराज जी श्री सुदामानंद जी ने ही करवाया। और यहाँ पानी की बहुत परेशानी थी, यहाँ वहाँ नदी से पानी लाते थे और वहाँ टीले पर कुछ नहीं, बड़ी मेहनत करके बनवाया। फिर माता जान रानी ने उनको बताया कि बेटा परेशान ना हो, यहाँ कुआँ है। फिर माता जी ने उनको कुआँ बताया, फिर महाराज जी इसने उस कुआँ को निकलवा करके मलमा और फिर उसमें पानी निकला, तो यहाँ का विकास करवाया और कई यज्ञ हुए और उन्हीं के शासनकाल में सब कार्य हुआ। और यहाँ से रास्ता ना थी तो जंगल को कटवाते हुए उन्होंने अपना रोड बनाया स्वयं अपनी मेहनत अपने हाथों से परिश्रम कर करके। और मेन कैनाल पर उन्होंने लोगों के निकलने के लिए एक मेन पुल बनवाया अपना छोटा सा, वो 3 फुट का है, उसमें रास्ता बनवा करके नहर इस पार गए। अन्य कई जिला झांसी में मंदिर बनवाए, और यहाँ भाई कई गाँव में उन्होंने मंदिर बनवाए। और श्री गुरु विश्वामित्र तपोभूमि में भी उन्होंने मंदिर बनवाए और यज्ञ करवाया और कई यज्ञों का निर्माण उन्होंने करवाया। और यहाँ पर सामूहिक शादियाँ भी करवाते थे गरीब आदमियों के लिए, विशेषकर उनको पूर्ण उनकी मदद करते थे, और सामूहिक शादियाँ वो अपने स्वतः ही वो ही करवाते थे। माँ भगवती की आशीर्वाद कृपा है कुछ इसी, इसलिए इस बराना वाली बड़ी माता उन्हीं के शासनकाल में उन्होंने कह दिया था सिद्ध पीठ एवं शक्ति पीठ दोनों यहाँ स्थापित हैं, क्योंकि हमको यहाँ 25 साल कार्य करते हुए हो गए। गुरु जी, आप इस मंदिर के आस्था के बारे में बताएं, आप कब से और कैसे मतलब यहाँ श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, भक्तों का बहुत जमुआड़ा रहता है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं आप। हम यहाँ परम पूज्य सुदामा जी महाराज के सानिध्य में 10 साल से काल चल रहा है। तब से महाराज जी जो है यज्ञ इत्यादि पूजन के लिए
आमंत्रित करते हैं भक्तों का कल्याण करने के लिए। यहाँ पर बहुत लोग भक्त आते हैं, दूर दूर से आते हैं, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बहुत दूर दूर से आते हैं और सबका यहाँ परमा की कृपा से कार्य पूर्ण होते हैं, जिससे सिद्धा विश्वास के साथ कार्य होता है और उसी में सफलता प्राप्त होती है, भक्तों का कल्याण होता है। आप कब से जुड़े हैं यहाँ से? यहाँ हम जो है कम से 15 साल हो गए। हर साल यज्ञ होता है, हर साल कृपा होती है माता जी की और पूजा पाठ में, और आज में तो बड़ा पर्व चलता है, पर्व के माध्यम से बड़ा भीड़ रहती है, भयंकर भीड़ रहती है और भागवत देवी जी की भागवत है, भागवत है, मतलब भक्तों के लिए कल्याण करने कुछ ना कुछ कार्य होता ही रहता है, जिससे भक्तों का कल्याण होता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है।